फिनिश द फूड बेबी, टमी फुल है तो फिनिश। Hi Shine. With a new phone. New phone. Mega. बस इतना ही होता। नहीं एक मिनट ऑन नहीं किया था। मम्मी? टैग नहीं जा रहा आपने। मैंने कहा था लोगों को पता चले नया सूट पहना। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर न्यू व्लॉग। क्या हाल है जी सबके? वंस अगेन क्रिसमस का दूसरा दिन और ये मेरा टैग इधर आ रहा है। बच्चे कह रहे हैं मम्मा ने ये टैग नहीं उतारा, प्लीज ये जरा कट कर दो, कुछ कपड़े पहन लिए थे इसलिए मुझे याद नहीं रहा। तो मैंने कहा नहीं नहीं भाई, पता चले कि नए कपड़े पहने हुए पुराने क्यों पुराने कपड़े पहने हैं ये बोलूं? नहीं भाई नए कपड़े नहीं बोलते। क्यों? वो अच्छा नहीं लगता। क्या कि नए कपड़े पहने हैं भाई? सबको पता है, सबको पता है कि क्रिसमस पे सब नए नए जोड़े पहनते हैं यार, वो तो ज्यादा वैसे ही। तो फ्रेंड्स अभी आज का प्लान कुछ इस तरह हुआ कि हम लोग बाहर डिनर का कोई प्लान नहीं था और अचानक से जो प्लान था वो चेंज हुआ और बाबा का दिल हमारे ऊपर मेल्ट हुआ। हम जा रहे पार्क और हम जा रहे हैं झूले लेने। झूले लेने, ये बाजी हमारी झूलों वाली है तो इसको हर वक्त झूले चाहिए होते हैं। हाँ, तो इसलिए हम फिर जा रहे हैं इनको लेकर बाहर। तो अभी आप हमारे साथ इसी तरह बने रहिएगा और हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और ये कह कह के मैं थक गई हुई हूँ। और इधर शिवान बाजी इधर खड़ी है, क्या कह रही हैं आप? कुछ आप क्या पहन रहे हो? हो गए रेडी आप? आज शिव ने ब्लैक ब्लैक पहना है, ये भी न्यू लिया था। कहती है ये नहीं कहना, फिर मैंने कह दिया न्यू लिया था, सॉरी गाइस ये इसका पुराना था। तो यहाँ मैंने ब्लैक नेल पेंट लगा लिया अपने छोटे छोटे नेल्स पे। तो नेल्स काफी बड़े थे लेकिन ना कपड़े शपड़े पांडे शांडे धोन की वजह सारे हो गए ने खराब। तो मैंने मुझे भाई वो लगाने पसंद नहीं है, मुझे ऐसे लगता है अभी टूट गए अभी टूट गए। तो मैंने इसलिए पांडे सब धोते हैं, कपड़े सब धोते हैं। यस 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 आई नो। तो अभी होते हैं रेडी शेडी और मैं आपको दिखाऊं हमारा बच्चा जो इधर बैठा हुआ है। हेलो गाइस, शक्कर पारे मकर पारे नो रिस्पॉन्स, इट्स ओके, इतनी बेस्ती बड़ी है ते नहीं बात करी तो ना उससे। तो गाइस उसको नहीं पसंद लेकिन मैं कहती हूँ आओ मेरे ब्लॉग में आओ। तो आज बस ऐसी प्लानिंग थी। एक मिनट काका, मैं आपको शूज बाबा ने कहीं रख दिए हैं छुपा के, क्योंकि आज ना कुछ प्लानिंग ऐसी थी कि कुछ था प्लान बाबा का, कोई आना था मगर नहीं आए अभी तक। और अब सुना है कि नहीं आने वाले जो भी। तो अभी हमने फिर प्लान को एक पलटा दिया और बाबा को मक्खन शक्ल लगाया मैंने और बच्चों ने मिलके। तो फिर अभी हम जा रहे हैं बाबा को लेके बाहर डिनर पे। तो खर्चा बाबा के खर्चे पे हम जा रहे हैं डिनर। कराया इधर देखिए, और कराया कराया मेरे से लेंगे। कराया इसलिए कि हम बाइक पे नहीं जा सकते, क्योंकि बाइक पे हम मैं और मेरे हस्बैंड बस जा सकते हैं, बाकी और कोई नहीं जा सकता क्योंकि अब बहुत बड़े हो गए हैं बच्चे। तो गड्डी शड्डी का इंतजाम करने वाले हैं। कितने करना है? लैम्बोर्गिनी च बैठ के जाऊंगी। सो गाइस अभी रेडी होती हूं क्योंकि टाइम ज्यादा हो गया। तो पता क्या हुआ, बाबा ने बोला था हम लोग कपड़े पहने की तो मैं रेडी होऊंगा, वो भी नहाने गई हुआ और मेरा मेकअप अभी आधा हुआ है। आधा क्या मैंने किया ही नहीं, जो लिपस्टिक ढूंढ रही हूँ मिल नहीं रही है, लेकिन देखते हैं फिर क्या मेकअप करती हूँ और फिर मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो कर रही थी मेकअप लेकिन समझ नहीं आ रही, आज मैंने सिर्फ दिल चाह रहा था लाइट सा ही कुछ कर लूँ, ये भी ना लश्कारे मार मेरा लाइट मेकअप भी इतना। गाइस मेरा मस्कारा सूख नहीं रहा। मस्कारा है देखो भाई, गाइस इधर मस्कारे लगाने लग गए, इतनी बड़ी हो गई, सूख नहीं रहा। शिकायत ने उसके पानी डाल दिया। तो
मेरा ये भी टूटा हुआ है। आज तो मुझे खुद पे हंसी आ रही है। ये इसका काम हो। ये लो जी, बहुत जरूरी है। नहीं मिल रहा वहाँ पे, देखो तुम लोग कैसी लग रही हूँ। अभी बाल बनाने हैं, नहीं पहन रही जी। तो फ्रेंड्स रेडी हो गई हूँ मैं, और कैसी लग रही हूँ, हमेशा यही कहती रहती हूँ कैसी लग रही हूँ। तो बच्चे बच्चे भी रेडी हो गए हैं, और इधर बाबा भी जरा हो गए रेडी, येलो शेलो पहन के। आज फुल टाइम हम ऐसे लग रहे हैं जैसे मेहंदी पे जा रहे हैं। मैंने भी ग्रीन ग्रीन पहन लिया और बाबा ने येलो पहना हुआ है, और इन्होंने काले काले और शाइन ने रेड, और फुल टाइम हम बने हुए हैं मेहंदी पे जाने वाला सीन है जैसे। तो सुबह निकल रहे थे मेडिकल, फिर भी जाते जाते हम अपनी वीडियो जरूर बनाए। तो अभी इसी तरह हमारे साथ बने रहिएगा। अभी वेट करो, क्या हो गया। तो गाइस देखें जी, गाइस खाओ मेरे हस्बैंड से बैठे हुए हैं यहाँ पे। हेलो गाइस, कैसे आप लोग, और ठीक हो। मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से हैप्पी क्रिसमस, और मेरी हमेशा दुआओं में आप लोग याद हैं कि आपको खुदावन हमेशा बरकतों से आमीन 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 आमीन। ये साल आपका खुशियों का हो, हम सबका खुशियों का, खुशियों का। तो बच्चे रेडी हो गए वेट करें, और बाबा की यहाँ पे तफसीलें शुरू हो गई हैं गाइस। और शिमोन को अपने बाबा पे बहुत हंसा आ रहा है, और शाइन फुल टाइम है मेरा बैग खोलने के चक्रों में। और अभी हम निकलते हैं, बाय बाय, वेलकम बैक फ्रेंड्स। देखिए हम आ गए हैं, और यहाँ पे इतना ज़्यादा म्यूज़िक है क्योंकि क्रिसमस डेज चल रहे हैं, तो म्यूज़िक की वजह से मुझे अपनी आवाज़ बंद करनी पड़ी थी। बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ के बच्चे बहुत खुश हो रहे हैं, और अभी हमारा ऑर्डर हमने दे दिया है, बस वेट कर रहे हैं। बच्चे ऊपर चले गए हैं प्ले एरिया में, और यहाँ मैं और शिकायना बैठ के अपनी ज़रा वीडियो में बना रही थी, और वो अपना फ़ोटोज़ बना रही थी। तो फिर मैंने कहा हम नीचे बैठ के थोड़ा वेट कर लेते हैं, शिकायना को नीचे बैठना अच्छा लग रहा था। फ्रेंड्स बैक कैमरा करके मुझे कुछ नहीं करना आ रहा होता है, और वैसे भी मेरी मम्मी ऊपर हो जाता है ना, जिस वजह से मैं, मुझे लगता है यहाँ पे मुझे करके बनानी चाहिए है ना, इधर इतना ऊंचा करके ना। तो अभी वेट कर रहे थे हम लोग खाने का, मुझे म्यूज़िक की आवाज़ आ रही है, और मुझे लग रहा है हमारा यहाँ कॉपीराइट आ जाएगा यार। आज तो दोनों बहनें यहाँ पे ये बैठे हैं, सिर्फ और एक ये भाई है, और बाकी शिवे देख के ही इज वेरी यू नो हैं गुड बॉय। हाँ ओ हेलो गाइस, मैं कहाँ आई हूँ, कहाँ आए हो, झूले लेने आए हो, आपको बहुत अच्छा लगता है। हाँ हैं ऊपर मैं नहीं आ सकती, वो फिर आपको बोलेंगे आपको झूले नहीं लेने देंगे। तो ये यहाँ झूले ले रहे हैं, हम खाने का यहाँ वेट कर रहे हैं, और जाके बैठते हैं ज़रा हस्बैंड के साथ। अब एक मिनट, मैं यहाँ से आ गई शाइन के पास, हम इधर। ओह गॉड, सो फ्रेंड्स खाना यहाँ पे आ गया था, और बच्चे हैं कि प्ले एरिया से आ नहीं रहे थे, लेकिन मैंने बच्चों को कहा कि हम तो खाना शुरू करते हैं, क्योंकि शाइन को बहुत अच्छा लगता है प्ले एरिया में, वो तो वापस ही नहीं आती है। तो बहुत ज़बरदस्त फूड, और यहाँ पे शिवान आ गई थी शाइन को लेकर, और शाइन ने बोला ये खाना बहुत यम्मी है, और बहुत पता नहीं क्या स्वाद का खाना है ऐसे कुछ कह रही थी। और ना कॉपीराइट की वजह से जो मुझे वॉइस ओवर करना इतना मुश्किल लग रहा था, अगर हम ऐसे वीडियो बनाते तो बहुत ज़बरदस्त लगना था, इतना ज़्यादा हाई म्यूज़िक था, लेकिन हम बंद तो नहीं करवा सकते थे क्योंकि अच्छा भी बहुत लग रहा था। लेकिन मैंने कहा चले कोई बात नहीं, मैं अपना वॉइस ओवर कर लूँगी। सो फ्रेंड्स बहुत यम्मी फूड ये हम आए थे
थोड़ा सा एड्रेस मुझे सही से नहीं पता, लेकिन ये KFC आए हुए थे हम लोग, तारिक रोड की साइड पे है ये। सिंधी मुस्लिम है, मुझे तारिक रोड का बोल दिया, मेरी बेटी ने बोला नहीं मम्मा सिंधी मुस्लिम है ये। सो गाइस शाइन यहाँ बहुत इंजॉय कर रही है, उसको बाहर आने का बहुत ज़्यादा पता है, और उसको प्ले एरिया का देखें कैसे क्रेज़ हो रहा है। 1 bite and 1 ride, एक बाइट लगा के आती है और फिर फटाफट चली जाती है। और इतना सन्नाटा था और हमारे बच्चों ने इतना इन्जॉय किया, उनको तो और ही अच्छा लग रहा था, कह रहे थे कोई भी नहीं है, बहुत ज़्यादा कम लोग थे। फिर यहाँ पे हमने खाना शाना फिनिश किया और फिर बच्चों को आइसक्रीम का क्रेज़ हुआ, लेकिन ये है कि आइसक्रीम, यहाँ की आइसक्रीम भी बहुत यम्मी होती है, तो फिर इनको आइसक्रीम दिलाई हमने, तो बहुत मज़ा आया इनके साथ, स्पेशली शाइन बेबी के साथ, और बाबा के साथ तो आना तो हमें और ही अच्छा लगता है। सो आज का व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। शाइन और बाबा का चेज़ मैंने कर लिया, तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और यहाँ पे अभी सब कुछ ख़त्म हुआ, लेकिन हमारी शाइन का क्रेज़ ख़त्म नहीं हो रहा था। फिर हमने बड़ी मुश्किल से उसको प्ले एरिया से उठा के हमने उसको नीचे लेके गए कि बस भाई बस, बहुत ज़्यादा टाइम हो रहा था और मेरी वीडियो थोड़ी सी लेट हो गई, क्योंकि रात को काफ़ी लेट हम लोग आए और फिर हमने मैं फिर बहुत थक गई थी और हमारा नेट का बहुत इशू चल रहा है आजकल। सो गाइस इसी तरह हमारे साथ बने रहिएगा, हमारी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अच्छी वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, स्टे ब्लेस्ड।